टीवी पे आ रहे लाला या मुझे लगा मैं अभी तो बच्चा हूँ, अभी तो चूजा हूँ, अभी तो मैं हैच हुआ हूँ, पुराने पापी उनका चेहरा देख के मैं डर जाता हूँ। अबे यार एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर क्या होता है, 3 साल लेट है बट करना है मुझे। 3 साल लेट है बट करना है। क्या कैसे कर, मुझे घर जाना है। थैंक यू अंकिता, दिस इज जस्ट टू स्वीट यार। दिस इज वेरी स्वीट अंकिता। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब कलर्स के प्लेटफॉर्म पर पहली बार देखने मिलेगा एक अनोखा क्विज शो, तस्वीरों पर आधारित इंडियाज फर्स्ट एवर विजुअल क्विज शो। वाली एक अनोखा क्विज शो बायजूस प्रेजेंट्स द बिग पिक्चर, तस्वीर से तकदीर तक, 16 अक्टूबर से शनिवार और रविवार हर रात 8 बजे ओनली ऑन कलर्स। द बिग पिक्चर एक इंटरनेशनल फॉर्मेट शो है जिसे वाणिज्य एशिया, सलमान खान टेलीविजन और ITV स्टूडियोज ग्लोबल एंटरटेनमेंट BV प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड यू नो ये सेंसेशनल है, ये यूनिक है, ये अनोखा शो है, एक हटके शो है। सो ऐसे हटके शो के लिए हमें जो होस्ट चाहिए वो भी तो हटके चाहिए ना, जो अपनी एक्टिंग से नए नए फॉर्मूले इन्वेंट करते रहते हैं, जो न्यू वेव और न्यू वाइब्स के एपिसेंटर हैं, जो अपनी विट, अपनी चार्म से, अपनी एनर्जी से व्यूअर्स के दिलों में एंट्रियां मार के घंटियां बजाते हैं। प्रेजेंटिंग टू यू द न्यूएस्ट मेजबान क्विज, ही इज अ माइंड इट्स ब्लोइंग एनर्जी की दुकान फुल ऑफ सरप्राइजेस, एक्टिंग का किंग, फेवरेट ऑफ स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग, द डायनामिक superstar and the host of the big picture for the very first time will be seen on television. Please put your hands together and welcome Ranveer Singh. श्री गणेशाय नमः। तालियां तो और जोर से बजनी चाहिए। कम ऑन फॉर द रॉक स्टार एंटरटेनर रणवीर सिंह इन द हाउस। इट्स शो टाइम बेबी, इट इज शो टाइम। सो गुड टू सी यू। महान आदमी विद द महान नाम सचिन जी। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। द रॉकस्टार एंटरटेनर इज गोइंग टू बी सीन ऑन टेलीविजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, द होस्ट ऑफ द बिग पिक्चर, लेडीज एंड जेंटलमैन रणवीर सिंह। टीवी पे आ रहे लाला।
देख ले तेरे सैटरडे का प्लान देख ले तू। लाला एक सवाल था आपसे। हाँ एक्चुअली एक नहीं कई सारे सवाल है पर पूछिए। सबसे पहला सवाल ये है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम या हम आपको टेलीविजन पर देखेंगे वो भी एक होस्ट के किरदार में। क्या रिएक्शन था, क्या फील हुआ जब आपको ये शो ऑफर किया गया? किसी को नहीं पता एक्चुअली मुझे टेलीविजन पर आने के लिए होस्टिंग करने के लिए काफ़ी सालों से ऑफर्स आ रहे थे अलग प्रोड्यूसर्स अलग चैनल्स पर वो एक जो होता है ना वो बैठ नहीं रहा था। या तो फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं था या तो ऐसे लगा कि यार ये तो देखा दिखाया है या मुझे लगा मैं अभी तो बच्चा हूँ अभी तो चूजा हूँ अभी तो मैं हैच हुआ हूँ तो माइट बी मे बी अ बिट अर्ली। ये जब हुआ ऑल द स्टार्स वर अलाइंड दीज आर द बेस्ट पार्टनर्स इन द बिजनेस कलर्स जितना बड़ा मंच आज की डेट में हमारे देश में है नहीं इट्स द बिगेस्ट चैनल दीज पीपल हैव बीन इन दिस गेम एंड हैव मास्टर्ड दिस गेम फॉर सो मेनी ईयर्स नाउ दे आर ऑल जीनियसेस यार शीतल मनीषा तानिया सिद्धार्थ बासु दिस इज ये जो आप लोगों को नहीं पता लेकिन मैं आपको बता दूं दीज आर द ऑल स्टार्स मतलब रोनाल्डो मेसी ऑफ इंडियन टेलीविजन। हाउ कुड आई से नो फॉर्मेट जो लेके आए थे इतना बढ़िया था मतलब मेरे को तो इंस्टेंटली लगा चल यार ये करते हैं। फिर सोने पे सुहागा कलर्स चैनल पे आएगा प्रोड्यूसर कौन है ये टीम कौन सी है ये सो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग वॉज राइट स्टार्स वर अलाइंड एंड हियर आई एम and welcome to this magnificent set all you beautiful people my friends from the media I have missed you all yaar well I have really really missed you all kitna lamba arza ho gaya yaar hum log mile hi nahi hai aapse to mile the aapse to milte rehte hain aap to kahin bhi aa jate hain hai na hi hello karne ke liye kahin bhi aa jate hain aapse nahi mile aapse nahi mile my old friend वेलकम अरुण अरुण पुराने पापी उनका चेहरा देख के मैं डर जाता हूँ अबे यार ये मेरी क्लास लेगा आज बख्श दे आज बहुत बड़ा दिन है प्लीज छोटा भाई समझ के बख्श देना मेरे भाई अरुण को बड़ा वाला सलाम। वेल पूरी फैमिली जो है हमारी मीडिया की फैमिली हमारे साथ है फिर से एक बार और जो तारे मिल चुके हैं कलर्स के साथ रणवीर सिंह के एंड हियर वी आर बिग पिक्चर। एक फॉर्मेट का मेंशन किया आपने तो थोड़ा बात फॉर्मेट के बारे में भी उससे पहले वो आपने एक ट्रेंड बना दिया है अब तस्वीर से लेकर तकदीर तक यू वांट टू टीच अस दैट हाउ डस हो गया। फर्स्ट डे पे हम लोग आए थे थोड़ा थोड़ा जैम कर रहे थे मैं और शीतल जी जीनियस है लेट मी टेल यू द ज़ारीना ऑफ इंडियन टेलीविजन आई हैव टू से। उनके साथ मेरी जैमिंग चल रही थी और हम लोग बात कर रहे थे हम लोग प्रोमो शूट कर रहे थे लिबर्टी थिएटर में बहुत खूबसूरत प्रोमो निकला हमारा फर्स्ट प्रोमो सेकंड प्रोमो बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वहाँ की शूट पर मैं जैम कर रहा था शीतल जी के साथ हमारी बात चल रही थी सेट के बाहर और ऐसे ऐसे कुछ चला था द बिग पिक्चर तस्वीर से तकदीर तक काफी लिटरल है लेकिन मेरा इन्वेंशन है अच्छा है ना एक बार करके दिखाता हूँ मैं। वेलकम टू बायजूस प्रेजेंट्स द बिग पिक्चर तस्वीर से तकदीर तक या लव इट। अरे भाई ने भी अप्रिशिएट किया है बिग बॉस में गया था मैं भाई से मिला आप लोगों ने देखा होगा हाँ भाई ने भी अप्रिशिएट किया भाई ने भी किया मेरे साथ भाई प्रोड्यूसर है बाय द वे बानी जे और एसके टीवी पार्टनर्स है और इसी से मतलब भाई हमारे प्रोड्यूसर बन गए तो आई मीन व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर यू नो इट्स रियली बीइंग हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज अ बिग डे फॉर मी आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम जस्ट गोना किल इट मैन आई एम जस्ट गोना डू माई बेस्ट जस्ट वॉच दिस शो इज गोना बी ऑन फायर आई प्रॉमिस यू आई विल डू माई बेस्ट नाउ इफ माई बेस्ट इज गुड इनफ that is yet to be seen but I promise you I will do my best to provide the gold standard of entertainment on Indian television talia ye samajh liye maine commitment kar di 16 aur ek bar maine commitment kar di to main fir kya hota hai fir jo hota hai manzoore khuda hota hai but 16 अक्टूबर से शनिवार और रविवार रोशन 8 बजे ओनली ऑन कलर्स बायजूस प्रेजेंट्स द बिग पिक्चर अनोखा क्विज शो के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड इतना हमने मेरे रिटायरमेंट के बाद आप रिटायरमेंट के बाद सदियां 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 नो बट
I want to know कि शो के फॉर्मेट के बारे में मैं थोड़ा बताऊं यार, we all are waiting कि क्या है, what we've seen the promos, we've loved it. हमें थोड़ा फॉर्मेट के बारे में बता. फॉर्मेट के बारे में बताऊं? Please. यार हमारा जो शो है ना, it's actually a visual based show, तस्वीरों पर आधारित. तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताते नहीं है, दिखाते हैं. Okay. तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर आपकी इजाजत हो तो आप में से हमारे फ्रेंड्स में से यहाँ कोई आए और बताने के बजाय हम सबको दिखाए कि कैसे खेलते हैं बायजूस प्रेजेंट्स द बिग पिक्चर तस्वीर से तकदीर तक. शुड वी डू इट? यस एब्सोल्युटली, लेट्स गो फॉर इट. हिट है, हिट है. अरे तूने बोल दिया, भगवान ने सुन लिया, समझ हो गया. नेकी और पूछ पूछ, द फ्लोर इज ऑल योर्स, द होस्ट ऑफ द बिग पिक्चर, इट्स ओवर टू यू. फर्स्ट टाइम हाँ, थोड़ा एनर्जी मिलेगा क्राउड से तो अच्छा रहेगा. हाँ अरे इंडिया वाले, हाँ मेरे साथ बोलेंगे आप. काउंट ऑफ थ्री, ओके, जोर से, हाँ हर हर महादेव. ओके, मेरा वो वाला 2015 का फेमस डायलॉग आज तक चला रहा हूँ, है कि नहीं? ओके, वन टू थ्री, हर हर महादेव. ऑल राइट, देवीज एंड सज्जन मैन, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और मेरी उम्र के यंगस्टर्स को किसेस मेरे यार. वेलकम टू बायजूस प्रेजेंट्स द बिग पिक्चर, तस्वीर से तकदीर तक. एक तरफ तस्वीर, एक तरफ तकदीर, बीच में आपका अपना नाचीज कट पीस रणवीर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाँ जी, तो पहले हमारे शाइनिंग स्टार्स, हमारे दोस्त यहां पर अपनी बिग पिक्चर खेलकर अपनी तस्वीर से तकदीर तक का सफर तय करने आ रहे हैं. वो हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए, हमारे मित्र मुंबई से अंकिता भल्ला एंड वरिंदर चावला. साक्षात आप, मैं थोड़ा शास्त्रक हो गया. Can I propose you? What do you mean? Can I? What? Yeah. See, can I do this? 3 years late hai, but karna hai mujhe. 3 years late hai. 3 years late hai, but karna hai. Kya kaise kar, mujhe ghar jana hai. Tere bina kisi cheez mein mauj nahi. Na londe taadne mein, na chai mein, na chowmein mein. And I know you're married, but I really want to do this. Hey, yaar. Thank you, Ankita. This is just too sweet, yaar. This is very sweet, Ankita. Jokes, यार आपको तो मजा है, बड़ा मजाक क्या है आपका भाई अंकिता जी. यार आपको अपना, आपको अपना ग्रेटिफिकेशन मिल गया, ऑलरेडी मिल गया. अंकिता, इट इज ग्रेट टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग. आई हैव टू से, आज बहुत बहुत लंबे अरसे बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ. वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज टू स्वीट एंड मोर देन दिस, आई अप्रिशिएट आपकी डायलॉग डिलीवरी. अगर अभी क्विज शो है, ये जो डायलॉग इन्होंने बोला था कौन सी फिल्म का था, 5 seconds के अंदर अगर किसी ने जवाब दिया, मेरी तरफ से ₹50. वो देखो मानिका. अरे जवाब देना, हंसना थोड़ी है. एक्चुअली तू ही रखे माइक पे, बोलो माइक पे. रिपीट रिपीट. मेरा किसी ने सुना नहीं था, आप किसी ने सुना नहीं, फिर से आपने सुना नहीं डायलॉग, आप डिस्ट्रैक्टेड थी. वो क्या चीज थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी? माय शाइनिंग हीवेज दीपिका जी. हाँ, ओ सॉरी, हाँ हाँ वो तो है, वो तो है. रिपीट रिपीट रिपीट. ये मेरे हैं, फिर से मिलेंगे. तेरे बिना किसी चीज में मौज नहीं, ना लौंदे ताड़ने में, ना चाय में, ना चावल में. ओहो, ₹50. फर्स्ट यार, टू गुड यार. दीपिका, आई एम नॉट सॉरी.
टाइमर शुरू नहीं हुआ आपका जवाब. टू गुड सर, टू गुड यार, टू गुड. अंकिता जी ये तो बस ये मैं अपने बालों में लगा लूं. सुनो घर जाना है ना. हाँ घर तो जाना है ना. नहीं ना फिर नहीं हो पाएगा 8 बजे के बाद. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन ये मैं वहां दे दूं. जो आपने में जो पसीने छुटवाए हैं वो भी पुछवा लूं. हाँ प्लीज. जैसे इन्होंने बोला अरे घर पे देख रहा है सब, तब से क्या पर्सपिरेशन हो गया मेरा. बाय गॉड ओह कितना घरेलू है ना मैं. सो डोमेस्टिकेटेड. ओके अंकिता जी. yes. वरिंदर जी मुझे तो पता है आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, लेकिन हमें घर बैठे दर्शकों को बताना है, तो आप बताइए आप कहाँ से हैं. हम मुंबई से ही हैं. मुंबई जन्मभूमि. जन्मभूमि पंजाब. कर्मभूमि. कर्मभूमि मुंबई. ओके पंजाब. हाँ जी पंजाब. कौन से पंजाब में कौन से. कपूरथला. कपूरथला. पंजाबी गाने सुनते हैं आप. हाँ जी हाँ जी. कौन से वाले. जड़े मर्जी गो तुसी. आए हाय वरिंदर टी चावला. यस वरिंदर तिलकराज चावला. आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पहले कौन देखता है वरिंदर जी ये बताओ. रणवीर सिंह के अलावा और कोई नहीं. और ये सच बात है. आपने देखा है ना. हाँ सर. वरिंदर जी ने डाला नहीं इंस्टाग्राम पे स्टोरी. और सबसे पहले जब मैं देखता हूँ और मैं अपने बच्चों को दिखाता हूँ और वो मैं आपको बता नहीं सकता वो कितने खुश होते हैं कि सबसे पहले रणवीर सिंह देखता तो हमारे लिए होता है कि हाँ पापा ने कुछ किया है लाइफ में. पंजाबी गानों से याद आया एंड दिस इज समथिंग फॉर अस. करेंटली मेरा जो फेवरेट फेवरेट गाना चल रहा है ना फेवरेट गाना वो पंजाबी गाना है. टाल जा. हाँ पता है यार. हाँ अपनी बॉम्बे मीडिया की नॉलेज पे संदेह नहीं करते. हाँ कभी भी लात दे सकती है. सही पकड़े. तो जो गाना है वो पता नहीं इनके पास राइट्स है क्यूड है नहीं है नहीं है. वैसे ही दिलजीत भाई का मतलब. अच्छा दिलजीत राइट लेना. मतलब वो दिलजीत दोसांझ जो सॉन्ग इज माय फेवरेट सॉन्ग तेरा नहीं मैं लवर. पहली तस्वीर 5,000 रुपए के लिए पेश की जाए. क्या है ये. कुछ सूझ रहा है. तस्वीर देखकर कुछ चमका, कुछ समझ में आया, कुछ बत्ती जली. ऐसे क्यूट वाले गिगल्स क्यों दे रही हैं हम. यार ये तस्वीर देख आप ब्लश क्यों कर रही हैं. ब्लश नहीं कर रही हूं. आप ही खेल रही हैं. मैं नहीं खेल रही हूं. क्यों आपको क्यों नहीं खेलना. ये वाला तो डेफिनेटली ले कर जाऊंगी मैं. आपने अभी तक सवाल नहीं देखा ऑप्शंस नहीं देखे. I'm nervous. आप नर्वस हैं. ओके आपके मित्र वरिंदर जी फिर खेलेंगे. कुछ चमका कुछ बत्ती जली. वरिंदर जी बताइए क्या दिख रहा है. जी सर समझ गया मैं. बताओ अपने ऑप्शन के बाद बताओ. इनिशियल रिएक्शन बताओ. बताओ बताओ आप ही खेलते हो ये वाला. तो मेरा इनिशियल रिएक्शन बता देता हूँ इस तस्वीर को देख के. कौन. मेरी घरवाली सामने आती है मैं ये बन जाता हूँ. बेसिकली वरना तो शेर की तरह घूम रहे फिल्म सिटी में. आओ यहाँ का एक ही लेपर्ड है वो मैं. घर जाके ये क्या दिख रहा है. अंकिता जी इनिशियल रिएक्शन. ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक. अरे कुछ तो दिख रहा होगा यार बता. अभी तो दिस क्यूट पग इन द बूथ ही दिख रहा है. मैं ज्यादा तो नहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना आपको. काफी ज्यादा. वरिंदर जी आप बताएं. मुझे लग रहा है किसी हॉलीवुड मूवी का टाइटल होगा उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होगा शायद. ओके हो सकता है नहीं भी हो सकता है कोई भी एंगल से हो सकता है क्वेश्चन. आप तैयार हैं. ऑप्शन ऑप्शन नहीं है सर. क्वेश्चन पहले क्वेश्चन. ओके बिग स्क्रीन
इस तस्वीर पर आधारित जो सवाल है वो वरिंदर जी और अंकिता जी के लिए कृपया करके पेश करें। ओ, इस तरह के बूट्स को क्या कहते हैं? गम्बूटी पता है तो। गम्बूटी पता है, पहनते थे आप गम्बूट बारिश में जब पापा राजी करते थे स्कूल में, पहनता था मैं गम्बूट, शू वाइट हो जाता था हमेशा। आपके तो वो लड़की बांद्रा में हमारा स्कूल था और वो जो क्रॉसिंग पे वो एक राउंड सा होता है ना, और पानी निकल आता था यार मानसून के टाइम में, मस्त गम्बूट लगा के छप छपा के छई खेलते थे हम स्कूल के बाहर। गम्बूट्स आप कह रहे हैं, गम्बूट्स, गम्बूट्स ऑप्शन ए बी सी या डी में से है या नहीं है, आई डोंट नो। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लॉक शुरू हो जाएगा, आपको डिसाइड करना होगा। ऑप्शंस देख लें, देख नहीं है तो और आपसे लाइफलाइन पे चल रहे हैं। मुझे भी क्वेश्चंस नहीं पता, आंसर्स नहीं पता, मुझे लगा यार ये क्वेश्चन जो है वो बूट्स पर है, मुझे लगा कुत्ते उत्ते पर कुछ पूछा जाएगा, अम्ब्रेला। कौन सी नस्ल का कुत्ता है ये? पग डॉग है ना? हाँ हैं जी, फ्रेंच बुलडॉग। आप डॉग लवर हैं, क्या बात है। आपको पता है ना मैं क्या बोलने वाला हूं, हर फोटो में मेरे जहन में सिर्फ एक तस्वीर आती है, किसकी आ रही होगी? और मैं भी ऐसे ही हो जाता हूं। प्रभा देवी में शाम को हम लोग हाथ पकड़ के वॉक्स के लिए जाते हैं ना, तभी मुझे लगता है मैं ये हूं ऐसे। वो अलाउड नहीं है लाला। ओके, वुड यू लाइक टू प्ले द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 10,000 रुपीज? जी बिल्कुल। ऑल राइट, द लेडीज आर रेडी, बिग स्क्रीन कृपया करके अगली तस्वीर हमें दिखाई जाए। कली रश्मि रॉकेट देखी है? अच्छा, कहाँ पर आई है? अभी आई नहीं है, आने वाली है। आने वाली है? Z5 पे। Z5 पर आने वाली है, कलर्स पे नहीं आएंगी? ये कलर वाले को तय करना होगा। वूट पर नहीं आएंगी? वूट पे आ जाते तो अच्छा रहता है ना मनीषा जी। खैर, सवाल देखना चाहेंगे? जी। कुछ तो एक्सचेंज किया आप लोगों ने, नोट्स एक्सचेंज किए, थोड़ा बहुत आइडिया है ऐसा लग रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया है, पर सवाल देखना चाह रही है जी। बिग स्क्रीन कृपया करके इस तस्वीर से जुड़ा हुआ सवाल हमें दिखाया जाए। ओके, ये कौन सी दौड़ है? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ रेस कॉल्ड? ऑप्शंस प्लीज। जवाब आपके पास ऑलरेडी है, क्या वो ऑप्शंस में होगा नहीं होगा आप देखना चाहेंगी? बिग स्क्रीन प्लीज शो अस द ऑप्शंस नाउ। ए क्रॉस कंट्री, बी रिले, सी मैराथन और डी स्टीपलचेज। किस पर दिया है आपने? रिले, बी रिले, बी रिले। हिट इट, शी इज कमिटेड इट। Stop the clock. B relay. मुझे ऐसा लगा। या आपने पूछा भी नहीं स्मिता जी से। देखो, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैंने पिछले 10 साल में कुछ मौकों पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के
बहुत पछताया हूँ। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। जोयता जी आप इतने रश में क्यों खेल रही हैं? अपने पार्टनर से सलाह मशवरा कीजिए, आपके पास पूरा एक मिनट था, 40 सेकंड बाकी थे, 3 लाइफलाइन बाकी थे। लाइफलाइन ले सकते हो? अब नहीं ले सकती, आपने कमिटमेंट दे दी। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। शेरनी बोली, जो होगा देखा जाएगा। बिग स्क्रीन स्मिता जी ललकार रही है आपको, चेतावनी दे रही है आपको। बिग स्क्रीन कृपया करके हमें बताए क्या पी रिले इस सवाल का सही जवाब है या नहीं। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है? ये तो बिल्कुल नहीं डरती। हाँ क्या डायलॉग मारा सीता जी ने, जो डर गया मर गया। जो डर गया वो मर गया। डायलॉग डायलॉगों का असर है आप लोग का, आप लोग का असर है। ये बेबी ये वेल डन, वेल डन लेडीज। खरीदा मैंने तेरे को रिचा, थैंक यू रिचा, देखे तेरे को खरीद लिया। थैंक यू रिचा, जस्ट जोकिंग। रिचा जी मुबारक हो, थैंक यू, आपने हमारे कंटेस्टेंट्स की मदद की, वो जीत गई 1,00,000 रुपए। 25% अपने ओरिजिनल पार्टनर को देना है, 25% आपको देना है, आप दोनों के बीच आप जीत गए 50,000 रुपए। 25 टू यू, 25 टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू जोयता जी, थैंक यू स्मिता जी। आप एक्चुअली टेक्निकली तो लखपति बन गई आज, खड़े 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 लाखों की बौछार हो रही है देखो बड़े स्क्रीन पर। आहा 1,00,000 रुपीज, वाह। क्या हो रहा है मॉल्डीव्स में भाई, हैं सब जा रहे, क्या हो गया रहा है वहां पे, फ्री में कुछ बट रहा है क्या वहां पे?